ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस क्रिएटिव पैरट फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस वीडियो एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आपको टेलीग्राम पर मेरा मिलेगा, ठीक है गाइस। तो मतलब लिंक नहीं, पूरी बैकग्राउंड पेज वहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को करना क्या है, गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है मेरे टेलीग्राम से। उसके बाद गाइस आप लोगों को अपनी फोटो को जो यहाँ से ऐड फोटो से जाकर अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे जो है गाइस मॉडल का बैकग्राउंड मैंने पहले से अरेंज कर रखा है ताकि आपका जो है मतलब कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस अब क्या करना है आप सभी को जो यहाँ से अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है एंड जो भी मतलब कि वेस्ट पार्ट हो उनको सबको अरेंज कर लेना है। तो इनको मैं फटाफट से अरेंज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो गाइस जब तक मैं अरेंज कर रहा हूँ यार आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि यार मैं मतलब फोटो एडिटिंग या इंस्टाग्राम रील्स से रिलेटिव मैं अपने इस चैनल पे मैं वीडियोस लाता हूँ। तो आप लोग वीडियो को जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। एंड गाइस आप लोगों को यार थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है यार, आप सभी को पता होगा कि यार मेरा जो चैनल है उसका जो रीच है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो यार इस टाइम जो है मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग चाहो तो यार थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, उससे मेरा थोड़ा सा मतलब कि ग्रोथ आ जाएगी मेरे चैनल पर अगर आप शेयर कर दोगे। तो बाकी गाइस देखिए यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है, आप क्या करना है आप लोगों को, अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको एक पैरट का पीएनजी मिलेगा गाइस, ठीक है, मेरे टेलीग्राम पे ही, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो आपको गाइस सिंपली इसको यहाँ पे ऐड करना है। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस आपको इसको ऐड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो गाइस आपका जैसा पोज होगा गाइस, देखिए जैसे कि इसमें मॉडल का पोज ऐसा है तो मैं इसको मैं बैक भी रखूंगा तो मैं यहाँ पे से भी रख सकता हूँ, बट अगर मेरा हाथ जो मेरे मॉडल का हाथ थोड़ा ऊपर की साइड में होता तो अच्छा लगता, बट मैं इसे फ्रंट की साइड में रखूंगा कुछ इस टाइप से। अब गाइस देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो भी मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जैसे कि गाइस ये जो यहाँ पे जो लकड़ी के ऊपर जो बैठा हुआ है यहाँ पे इसको मैं इरेज करूँगा गाइस, ठीक है। तो ओपेसिटी और थोड़ा कम करके इरेजर टूल में जाके इसका हार्डनेस फुल कर लूँगा एंड यहाँ पे जूम करूँगा एंड यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इनको मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो ये आगे का जो भी वेस्ट पार्ट है इनको इरेज करूँगा, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। एंड गाइस आप लोग ये चीज़ें करोगे तो गाइस एकदम आराम से करना, एकदम टाइम देके, ठीक है गाइस। कहीं कहीं जो है मैं वीडियो को जो ना फास्ट करता हूँ मैं, ठीक है, और क्या है कि मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी है इसकी अच्छी, तो मतलब इसलिए मैं जो है थोड़ा आसानी से कर पाता हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं हमसे क्यों नहीं हो पाता, तो गाइस आप लोग जो प्रैक्टिस किया करो, जब खाली टाइम हो आप सभी के पास तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस किया करो, तो आपका हाथ जो अच्छे से साफ होगा तो आप लोग जो ये चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इतना हो जाने के बाद जो हम यहाँ पे चलेंगे यहाँ से टूल्स में जाने के बाद यहाँ से एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ाएंगे, ठीक है, ब्राइटनेस को, एंड इरेजर टूल में जाएंगे इसको इन्वर्ट करेंगे एंड ऐसे ब्रश लेंगे, ब्रश लेने को साइज़ अपने अकॉर्डिंग रखेंगे एंड उसका जो जितना भी ब्लैक वाला पार्ट होगा जैसे कि ये यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरीके से पेंट करेंगे ताकि इससे क्या लगेगा कि थोड़ा सा डोजन बने मतलब कि शाइनिंग टाइप्स की आएगी, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं एंड इसका जो अमाउंट है कुछ इतना रख लेंगे 13 तक एंड इसको डन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस हमारा पिक्सल का जो काम है खत्म होता है, तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे एंड सेव करके जो है इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम मैप में, क्योंकि रीटच करके जो हम फोटो को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। तो अभी हम इसको सेव करके लाइट रूम मैप में लेकर आ चुके हैं, अब लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसका हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करने के बाद हम इसका शेडो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको चले जाना है ऐसे कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर को जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है, फिर उसके मिक्स में चले जाना है, मिक्स में जाने को तो ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका जो ल्यूमिनस है आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना आपको ब्लू कलर ले जाने के बाद आपको सैचुरेशन ल्यूमिनस का थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे गाइस कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे सिंपली शेडो में जाना है एंड उसके बाद आपको जो इसका ह्यू है आपके ह्यू को जो इस तरीके से आपको हल्का सा प्लस करना है एंड जिसका सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। फिर इसका चले जाना आपको यहाँ पे मिड टोन में जाने के बाद सेम चीज़ वही करनी है आपको, ठीक है, तो उसको कर देते हैं एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे डन करते हैं। और इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर चले जाना है नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना है, फोटो की क्लियरिटी बढ़ाने के बाद आपसे भी थोड़ा सा विग्नेट डाल देने के बाद आपको इसको फीदर को जो इंक्रीज कर देना 100% एंड इसको नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, देन आपको नोट रिडक्शन को बढ़ा देना है, जो कलर नोट रिडक्शन आपको इसको भी बढ़ा देना है। एंड फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।